बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हनुमानसा शहजादी, गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रिडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज मैथ नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसका नंबर पढ़ेंगे 15। मेरे हाथ में क्या है? यहाँ पर है एक फ्लैश कार्ड और इस फ्लैश कार्ड के अंदर बहुत से ट्रीज बने हैं। हम इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। यहाँ पर 15 ट्रीज बने हैं और यहाँ पर हमने क्या काउंट किया? इतने सारे ऑब्जेक्ट्स। आप सब मिलकर एक दफ़ा काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। वेरी गुड। और यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है 15, 15, 15। वेरी गुड, यहाँ पर लिखा है 15। आप सब बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और बुक में ये देखें, ये पेज नजर आ रहा है। इस पेज में क्या लिखा है? 15। वेरी गुड। और यहाँ पर विसल्स हैं, हम इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। 15 whistles। यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है? 15 whistles। अब आप सब बच्चे इसको काउंट करेंगे और 2 से 3 मरतबा ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। मैच द सेम नंबर्स। ये सामने आपके क्या लिखा है? 15 लिखा है। और अब हम यहाँ पर दोनों साइड्स पे देख रहे हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, हम इनको आपस में मिलाएंगे जो कि सेम है। तो ये एक्टिविटी तो बहुत मज़े की होने वाली है, तो हम यहाँ पर इसको परफॉर्म करेंगे। कैसे? ये लिखा है 11 और यहाँ पर देखें, यस ये 11 लिखा है। हम इनको आपस में मैच कर देंगे। ये क्या लिखा है? यस ये लिखा है 13। 13 को ऐसे इसके साथ मैच कर देंगे। ये क्या लिखा है? 7। 7 को हम यहाँ पर इसके साथ मैच कर देंगे। और ये है जी, यस ये है 15। और यहाँ पर हमारे सामने एक और 15 है, हम इनको आपस में मैच कर देंगे। ये है 14। 14 और कहाँ लिखा है? गौर से देख के बताओ। यस ये लिखा है। और ये है 9। 9 को यहाँ पर इसके साथ हम मैच कर देंगे। और इस तरह से हमने देखा कि हमें यहाँ जहाँ सेम वर्ड्स, जहाँ जहाँ हमें सेम नंबर्स नज़र आ रहे थे, हमने उनको मैच कर दिया। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर्स को अगेन एंड अगेन रिपीट करें ताकि बच्चे बेहतर तरीके से 15 को पढ़ना सीख जाएं। इसके साथ ही जब बच्चे 15 को आइडेंटिफाई करना सीख जाएं, तो उनको इस तरह से एक्टिविटी दी गई है ताकि बच्चे नंबर्स को रिकनाइज करना सीख जाएं और उनको आपस में मैच करना सीख जाएं। ये तमाम काम जब आप करवा रहे हों तो बच्चों को अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखें, बच्चों पर तवज्जो दें ताकि बच्चे बेहतर तरीके से ये तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। अब हम यहाँ पर 15 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर एक डॉट लगाया, ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व बना दिया। हमने लिख लिया 15। इसको 2 से 3 मरतबा सब बच्चे लिखेंगे। अब हम स्लेट के ऊपर 15 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ऊपर लगाया एक डॉट, ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व बनाया। ये है 15। प्यारे बच्चों, अब हम जा रहे हैं ट्रेस एंड राइट की तरफ। यहाँ पर आपको एक पेज के ऊपर डॉट्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं और स्टार्टिंग पॉइंट भी नज़र आ रहे हैं। हमने इस फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए लिखना है 15 तरह से। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व।
ऐसे हम फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए हमने डॉट्स को मिलाते हुए 15 लिखा। अब हम नीचे हमारे पास जहाँ पर हमारे राइटिंग का पैटर्न है वहाँ पे हम लिखेंगे 1 और 5। वैसे हम डॉट्स को आपस में मिलाते हुए 15 लिखा है। उसके बाद हम लोग राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं से हम 15 लिखेंगे, राइट। तो इस तरह से हमने 15 लिखने की प्रैक्टिस की है। आप लोगों ने भी फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए 15 लिखने की इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, yes, यहाँ पर ये 13 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट हम काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, yes, यहाँ पर 14 ऑब्जेक्ट्स हैं। और अब हम आगे काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15, yes, यहाँ पर 15 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके देख सकते हैं ये कितने नंबर्स हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ यहाँ पर हम काउंट एंड राइट। सबसे पहले हम इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे। जो लाइन दी गई है उसको उसके ऊपर हम उसका नंबर लिखेंगे। तो चलिए यहाँ करते हैं। सबसे पहले इसको काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yes, ये 12 नंबर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, yes, ये 15 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ। ज्वाइन एंड राइट द नंबर। 10 + 1 = 11, 10 + 2 = 12। जब हम प्लस का साइन आता है तो उसको हमने आपस में उसके अंदर ऐड करना होता है। जैसे 10 के अंदर प्लस 1 ऐड किया, 11 बना। अब हम आगे उसको ऐड करते जाएंगे, देखते हैं कौन से नंबर बनते हैं। 10 + 2 क्या बनेगा? यस, 12। 10 + 3 Yes, 13. 10 + 4, 14. 10 + 5, 15. Very good. तो इस तरह से हमने सीखा कि 10 के अंदर अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 को प्लस करते जाएंगे तो वो हमारे पास 11, 12, 13, 14 एंड 15 बनता जाएगा। तो आज हमने 11 से 15 तक की काउंटिंग को रिकॉल भी किया है और एक नई चीज़ सीखी है कि हम प्लस कैसे कर सकते हैं। डियर टीचर्स, पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि बच्चों को हेल्प करें कि वो ये एक्टिविटीज़ किस तरह से कर सकते हैं। आपकी हेल्प से बच्चे इन एक्टिविटीज़ को मज़ीद इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं और इससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा, हमारी वेबसाइट का विज़िट कीजिएगा जो कि है www.gaurpublishers.com, जहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और बहुत सी वर्कशीट्स, जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने बच्चों के लर्निंग एबिलिटीज़ को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।